गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सिमरप्रीत सिंह एंड आई एम हेयर टू कवर इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 2 कवरिंग द चैप्टर ऑफ डिमांड। ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रोडा स्टडी सर्कल के ऊपर इसका पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जो आपको बताता है क्लास 11th में इकोनॉमिक्स हम लोगों ने कैसे कवर करनी है एंड डिमांड इंट्रोडक्शन के बारे में एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। दिस इज द सेकेंड लेक्चर, विल बी कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स लाइक इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, ग्राफ ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इफ यू रिक्वायर क्लासेस, क्लासेस आर बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर 8851399893। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक आउट आर वेबसाइट बाय द नेम arodastudycircle.com। लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन। नाउ आज का अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक हमारे पास क्या है, दिस टॉपिक इज इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अगर आप लोग याद करोगे, लास्ट क्लास में मैंने डेफिनेशन क्लास में डिस्कस करी थी जहां मैंने कहा था डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर is willing and able to purchase at each possible price during a given period of time। हमने ये चीज जो थी क्लास में डिस्कस करी थी। नाउ ये डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है ना, अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखोगे, हमने इसके अंदर डिमांड के चार एलिमेंट्स को भी आइडेंटिफाई किया था। आज का मेरा मोटिव है आप लोगों को ये चीज क्लियर कराना कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। अगर आप इसी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज नजर आएगी कि यहाँ पर मैंने वर्ड यूज कर रखा है अ कंज्यूमर। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेस। जहां पर हम हमेशा किसकी बात कर रहे हैं, एक सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। तो जो लास्ट क्लास में डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो डिमांड की डेफिनेशन भी है और वो साथ में इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन भी है। चाहे आपसे डिमांड की डेफिनेशन पूछे, चाहे आपसे इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन पूछे, आपने यही डेफिनेशन लिखी। अब इसी डेफिनेशन में अगर मैं एक दो चीजें चेंज कर दूं तो मैं ये इंडिविजुअल डिमांड डेफिनेशन मार्केट डिमांड की बना दूंगा। कैसे? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर। अगर मैं इसी अ कंज्यूमर की बजाय इसको ऑल कंज्यूमर्स कर दूं, अपनी ग्रामर ठीक करने के लिए इसको इज की जगह मैं इसको आर कर दूं तो ये डेफिनेशन किसकी बन जाएगी, मार्केट डिमांड की बन जाएगी। आओ इस चीज को समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड हमेशा एक सिंगल कंज्यूमर की बात करता है। मान लो मैं क्लास के अंदर हूं, मैं अपनी डिमांड की बात करता हूं, मुझे कोई आईपैन चाहिए, मुझे कोई फोन चाहिए, मुझे कोई वॉच चाहिए, मुझे कोई मार्कर चाहिए, ये सब चीजें मेरी इंडिविजुअल डिमांड है बिकॉज मैं यहाँ पे अकेले कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक बच्चा बैठा है, मैं उसे कहता हूँ कि आपकी डिमांड क्या है, जब मैं आपकी डिमांड की बात करूंगा तब भी वो क्या है, आपकी इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी इंडिविजुअल डिमांड जब आपस में इकट्ठी हो जाती है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड इज द डिमांड ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल, इज अ डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, वेयर एज मार्केट डिमांड इज अ डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। तो अगर मुझे कहीं पर भी मार्केट डिमांड का कोई फॉर्मूला लिखना हो आप लोगों के समझने के लिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ, इंडिविजुअल डिमांड एक बंदे की प्लस इंडिविजुअल डिमांड दूसरे बंदे की प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने भी इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबकी डिमांड्स अगर आपस में प्लस कर दोगे तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, मेरे पास पूरी की पूरी मार्केट की डिमांड निकल कर। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है।
इंडिविजुअल डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, मार्केट डिमांड का मतलब डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन एब्सोल्युटली बिल्कुल सेम रहेगी, बस इंडिविजुअल डिमांड में अ कंज्यूमर इज आएगा, मार्केट डिमांड में ऑल कंज्यूमर्स आएगा, सिंपल सी बात। अच्छा आगे मूव करते हैं। नाउ पहला टॉपिक तो हमारे पास सिर्फ इतना सा था कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का फर्क क्या होता है, आपको समझा दिया। इंडिविजुअल डिमांड की डेफिनेशन, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे इसी को मार्केट डिमांड में कन्वर्ट करना तो मैं क्या कहूंगा, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज हमारे पास आती है। अच्छा अब अगर आप लोग याद करोगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जहां पे हम लोगों ने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, अगर आप लोग याद करोगे, वी हैड डिस्कस्ड प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, और कौन सा था अपने पास याद करो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जहां पर हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स को पढ़ा था, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को पढ़ा था। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बताती है कि वो नॉर्मल गुड्स को प्रेफर करेगा या फिर इंफीरियर गुड्स को प्रेफर करेगा। एंड वी हैड डिस्कस्ड अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। लास्टली चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, हम लोगों ने ये सारी चीज डिस्कस करी थी कि ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब मुझे सिर्फ एक बात ना सोचकर बताना, जब मैंने आपसे मार्केट डिमांड की बात कही तो मैंने क्या कहा, सारी इंडिविजुअल डिमांड्स को आपस में प्लस कर दोगे तो मार्केट डिमांड निकल कर आएगी। अगर ये पांचों के पांचों फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके ही हम मार्केट डिमांड निकालते हैं, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे। मैं आपको कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पेन है, मैं कहता हूँ मेरे पास क्या है, ये पेन है। मैं कहता हूँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लास्टिक को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्लास्टिक को अफेक्ट करते हैं, बड़े सारे प्लास्टिक्स को आपस में जोड़ दो तो ये पेन निकल कर आता है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या हो गया, सारे वो फैक्टर्स जो प्लास्टिक को अफेक्ट करते हैं वही सारे फैक्टर्स पेन को भी अफेक्ट करते हैं। अगर बहुत सारे फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं एंड इंडिविजुअल डिमांड को प्लस करके ही मार्केट डिमांड निकलती है, तो ये पांचों के पांचों फैक्टर्स जो है मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन मार्केट डिमांड के हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी होते हैं, we have some new factors also, we have some extra factors also. वो extra factors हमारे पास कौन कौन से होते हैं, पहला आता है हमारे पास size and composition of population. क्या है हमारे पास, size and composition of population. अब इस चीज का मतलब क्या है बहुत ध्यान से समझ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम सेइंग साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर कोई कंट्री ऐसी है जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है तो बाय डिफॉल्ट उसकी डिमांड भी बहुत कम होगी। अगर कोई कंट्री ऐसी जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो बाय डिफॉल्ट उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। एज सिंपल एज दैट, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ जर्मनी का, जर्मनी की पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑब्वियसली मेरा डिमांड भी कम होगी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडिया सेकेंड लार्ज पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया की डिमांड भी बहुत ज्यादा। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, अगर एक पर्टिकुलर जगह पर, अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर नंबर ऑफ पीपल ज्यादा होते हैं तो डिमांड भी ज्यादा होती है, नंबर ऑफ पीपल कम होते हैं तो डिमांड भी कम होती है। साथ में अगर आप देखोगे तो उन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है वहां पर किस तरह के लोग ज्यादा रह रहे हैं, वहां पर जेंडर वाइज मेन ज्यादा है या वहां पर वुमेन ज्यादा है, वहां पर चिल्ड्रन ज्यादा है या वहां पर एजेड लोग ज्यादा हैं, ये हमारे पास आता है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर। जिस तरह की कॉम्पोजिशन ज्यादा होगी उस तरीके से डिमांड को अफेक्ट किया जाएगा। इस चीज का मतलब क्या है, मैं आपको कहता हूं कि एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे मेन ज्यादा है,
हाँ क्या ज्यादा है वहां पे, मेन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड भी किन प्रोडक्ट्स की होगी जिन्हें मेन कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल मेन के बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स, मेन की जीन्स हो गया, मेन के अंडरवेयर हो गए, मेन की वेस्ट हो गई, जो ऐसी चीजें मेन के लिए स्पेसिफिक है उनकी डिमांड ज्यादा होगी, बिकॉज सिंपल सी बात है वह मेन ज्यादा है। सिमिलरली अगर मैं यही चीज विमेन या चिल्ड्रन की बात करता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर जगह पे चिल्ड्रन बहुत ज्यादा है, बच्चे डिमांड किसकी होगी, टॉयज की डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड किसकी होगी, वीडियो गेम्स की डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड किसकी होगी, चिल्ड्रन के क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी, चिल्ड्रन के मिल्क की डिमांड ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का सिंपल सा मतलब क्या है, जिस तरह के लोग वहां पर रहते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेन ज्यादा है तो मेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे ज्यादा है, चिल्ड्रन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। एज सिंपल एज दैट। तो पहला फैक्टर मार्केट डिमांड में हमारे पास क्या आता है, पहला फैक्टर हमारे पास मार्केट डिमांड में आता है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज के अंदर मैंने सिंपल सी बात कही, कंट्री की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो उसकी डिमांड कम होगी। दूसरा, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, वहां पे किस तरह के लोग रह रहे हैं। अगर वहां पे मेन ज्यादा है तो मेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, वेमेन ज्यादा है वेमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, बच्चे ज्यादा है चिल्ड्रन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स, एजेड लोग ज्यादा एजेड सेंट्रिक प्रोडक्ट्स। सिंपल, कोई दिक्कत यहां तक, गुड। अगला हमारे पास इसके अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं सीजन एंड वेदर। किस तरह का सीजन चल रहा है, किस तरह का वेदर चल रहा है, ये भी अफेक्ट करता है आपकी मार्केट डिमांड को। इस चीज का मतलब क्या है, मान लो मैं कहता हूं कि कहीं पर रेनी सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है, कहीं पर रेनी सीजन चल रहा है। अगर कहीं पे रेनी सीजन चल रहा है तो डिमांड किसकी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी रेनकोट्स की, डिमांड ज्यादा होगी अम्ब्रेलास की। अगर मैं कहता हूं कि आपका समर सीजन चल रहा है तो डिमांड किसकी ज्यादा होगी, कॉटन के प्रोडक्ट्स की, चाहे कॉटन की शर्ट्स हो, कॉटन की पैंट्स हो। और अगर यही आपका विंटर सीजन चल रहा है तो डिमांड किसकी ज्यादा होगी, वुलन प्रोडक्ट्स की, वुलन क्लोथ्स की। तो सीजन वेदर भी अफेक्ट करता है कि किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है। अगर आपका रेनी सीजन, तो आपको एग्जाम्पल देखिए डिमांड किसकी ज्यादा होगी, रेनकोट्स की होगी, अम्ब्रेला, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बारिशों का सीजन है। समर सीजन है, आप अपने आप को कूल रखना चाहते हो, कॉटन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, हाफ स्लीव्स की डिमांड ज्यादा होगी। विंटर सीजन है, फुल स्लीव्स की डिमांड ज्यादा होगी, बॉडी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, वुलन क्लोथ्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो सेकेंड फैक्टर जो हमारी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सीजन एंड वेदर कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास में क्या किया है, अभी तक हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि हमारे पास दो तरह की डिमांड होती है, एक हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड होती है, एक हमारे पास मार्केट डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड जो ऑल कंज्यूमर की डिमांड है, मार्केट डिमांड जो ऑल कंज्यूमर्स की डिमांड है। फिर जितने भी फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंजेस ऑफ प्राइसेस इन फ्यूचर, ये सारे के सारे फैक्टर्स आपकी मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। क्लियर। लेकिन हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स भी होते हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो हमने डिस्कस करा अभी, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड हम लोगों ने डिस्कस करा सीजन एंड वेदर। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, जॉय क्लियर, ठीक बुक दिखाई। अच्छा, इसके बाद आगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास आता है इसी का ही थर्ड फैक्टर, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्या कहते हैं हम उसको, हम उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब इस चीज का मतलब क्या आया, हम बेसिकली यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनकम इक्वालिटी की, हम बात कर रहे हैं इनकम इनइक्वालिटी की। इस चीज का मतलब क्या होता है, अगर आपकी कंट्री ऐसी है जहां पर लोग या तो बहुत रिच हैं या बहुत पुअर हैं, मतलब आपकी कंट्री में इनकम इनइक्वालिटी, मान लो आपकी कंट्री के अंदर दो मुकेश अंबानी हैं जो बहुत अमीर है और बाकी के सारे लोग झुग्गियों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, तो ऐसे कंट्री की डिमांड जो होगी कम होगी। कभी भी किसी कंट्री में अगर इनकम इनइक्वालिटी है, इसका मतलब क्या है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, कोई इक्वालिटी नहीं चल रही है इनकम की, तो आपकी डिमांड कम होगी।
और यही अगर आपकी कंट्री ऐसी है जहाँ पे इनकम इक्वालिटी है, इनकम इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनकम इक्वालिटी का मतलब होता है यहाँ पर दैट जो नंबर ऑफ लोग आपकी कंट्री के अंदर रह रहे हैं उनके पास ऑलमोस्ट इक्विटेबल इनकम है, कोई बहुत अमीर नहीं है कोई बहुत गरीब नहीं है, ऐसे केसेस में डिमांड जो होती है वो जनरली ज्यादा होती है। तो हमने क्या डिस्कस करा, तीसरा फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पर आता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपकी कंट्री ऐसी है जहाँ पे इनकम इक्वालिटी है, ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो एक तरह की इनकम कमा रहे हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी, लेकिन अगर यही कंट्री आपकी ऐसी है जहाँ पे कुछ लोग बहुत रिच और कुछ लोग बहुत पुअर है तो आपकी डिमांड कम होगी। ये हमारे पास लास्ट फैक्टर होता है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में जो भी टॉपिक्स वगैरह करने से, इसमें से हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, आपने जितने भी इंडिविजुअल डिमांड के पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स लिस्ट करने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम हमने जो ये तीन एक्स्ट्रा पढ़े हैं इनको भी एक्सप्लेन करना, टोटल 8 फैक्टर्स। अच्छा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इसके अंदर आता है जिसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। क्या कहते हैं हम इसे, हम इसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब इस चीज का मतलब क्या है, जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े हैं ना, हर फैक्टर को सिर्फ एक वेरिएबल अलॉट कर दो और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरह उसको लिख दो। जैसे मान लो मैंने लिखना है डिमांड इक्वल्स टू क्या, मैं डिमांड कर रहा हूँ किसी एक्स कमोडिटी की, तो कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। डिमांड इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, हमने कहा जो आपकी ओन कमोडिटी है वो उस चीज को अफेक्ट करती है, साथ में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की हम लोगों ने बात की थी, हमने कहा था अपना इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हमने बात की थी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की, एंड हमने कहा था अगर फ्यूचर में प्राइस चेंज होता है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं उन सबको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में अगर आप लिख दोगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन कहते हैं। अगर इसी चीज को मुझे एक लाइन में लिखना हो तो मैं क्या कहूंगा, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, चेंज इन प्राइस एंड चेंज। मैंने यहाँ पे से कुछ वेरिएबल्स अलॉट करे हैं, जनरली यही वेरिएबल्स अलॉट किए जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो अलग वेरिएबल्स भी अलॉट कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस उस चीज को नीचे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। Px किसके लिए स्टैंड करता है, Px स्टैंड करता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी के लिए। Py किसके लिए स्टैंड करता है, सॉरी Pr यहाँ पे स्टैंड करता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, Pr स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Y स्टैंड करता है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर के लिए, T स्टैंड करता है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के लिए, एंड हमारा यहाँ पे FP जो है इट स्टैंड फॉर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। ये मैंने चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, अगर आप चाहो तो इन अलग अलग चीजों के लिए डिफरेंट वेरिएबल्स भी अलॉट कर सकते हैं। अच्छा जैसे ही हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड आता है वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब मार्केट डिमांड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मार्केट डिमांड फंक्शन के लिए हम लोग कहते हैं, जैसे मान लो मैं दोबारा बात कर रहा हूं मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स, मैंने कहा जितने भी फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करेंगे, तो पहले तो उनको लिस्ट कर दो, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, price of related goods, income of the consumer, tastes and preferences, future price की बात करी हम लोगों ने यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे S लिखा season and weather के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा population की बात की, मैंने यहाँ पे POP उसके लिए stand करा, and last हमारे पास क्या आता है distribution of income, मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से represent कर दिया। तो ये S किसके लिए लिखा है मैंने, मैंने इसको लिखा है season and weather के लिए, ये मैंने लिखा है आपका साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ।
अगर मुझे इसको दोबारा एक ही लाइन में रेफर करना हो तो मैं क्या कह सकता हूँ, मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज द फंक्शनल रिलेशनशिप, ये एफ लिखना जरूरी है, फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, सीजन एंड वेदर, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये हमारे पास अपना अगला टॉपिक था जिसे हम लोग कहते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। आई होप आप लोगों को चीजें यहां तक क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो आती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में, एंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल को भी। बेटा शेड्यूल का मतलब सिंपल सा क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है एक टेबल की फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करना। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, शेड्यूल का मतलब होता है एक टेबल के फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करना। मान लो मैं एक टेबल बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ प्राइस, मैं लिखता हूँ क्वांटिटी, मैंने ये चीज लिख दिया। अब मुझे एक बात सोचकर बताना, मैंने आपको पहले ही क्लास में ये चीज क्लियर करी थी, जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है, जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। अगर आप इस चीज को याद करोगे, हमारा पहला फैक्टर भी था प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। अच्छा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ मेरा प्राइस कम हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके क्या हो रहा है, मेरा प्राइस जो है वो कम हो रहा है। बिकॉज मेरा प्राइस कम हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ती जा रही है। मेरी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। मैं जैसे मर्जी इसको बढ़ा सकता हूँ, फिगर्स में कुछ नहीं रखा, मैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 लिख देता हूँ। ये जो मैंने चीज आपके सामने बनाई है ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है मेरा, ये मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अच्छा अगर आप याद करोगे तो हमने डिस्कस किया था कि इंडिविजुअल डिमांड्स को ही प्लस कर दोगे तो क्या निकल कर आती है, मार्केट डिमांड निकल कर आती है। वैसे ही अगर मुझे मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है तो वो कैसे बनेगा, मान लो मैं दो प्रोडक्ट्स की बात करता हूँ, मैं ये पीएक्स क्यूएक्स वाला दोबारा एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरा प्राइस जो है यहाँ पे 5 है, 4 है, 3 है और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 2 है और 1 है, ऐसे करके मेरे पास ये चीज़ है। इसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है मेरे पास वो कितनी है, दिस इज 10, 20, 30, 40, 50। ऐसे ही मैं यहाँ पे कहता हूँ मेरे पास एक प्राइस वाई है, एक मेरे पास क्वांटिटी वाई है। किसी और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ये मेरे पास एक आया, मैंने एक इंडिविजुअल की बात करी, ये मैं दूसरे इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, दूसरे इंडिविजुअल की बात कर रहा। अच्छा दूसरे इंडिविजुअल की बात करते हैं फिर से, 5, 4, 3, 2, 1 एंड जब क्वांटिटी की बात आई तो ये बंदा कैसे काम करता है, ये कहता है मैं करूँगा 5, 10, 15, 20, 25, ये कहता है मैं कुछ ऐसे कंज्यूम करूँगा। एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक्स ही है लेकिन दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, एक ये इंडिविजुअल है, एक ये इंडिविजुअल। ये कहता है कि जब प्राइस कम होगा तो मैं ऐसे से क्वांटिटी खरीदूंगा, दूसरा कहता है जब मेरा प्राइस कम होगा तो मैं ऐसे से क्वांटिटी खरीदूंगा। ये चीज मुझे यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं। मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड इज सिंपली सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, जो भी आपके इंडिविजुअल डिमांड्स उनको प्लस कर लो। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक तीसरा इंडिविजुअल भी होता है, मैं क्या करता, प्लस ही तो करना है मेरे को। यहाँ मैंने दो का एग्जाम्पल लिया, मैं दोनों को आपस में प्लस करूंगा, और अगर मुझे यहाँ पर अब मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाना है तो वो कैसे बनेगा, px यहाँ पे लिखा मैंने qx, और जब मुझे इसे बनाना होगा आई राइट 5, 4, 3, 2, 1, जब क्वांटिटी की बात आएगी तो मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, दिस इज 10 + 5, 15 लिखा जाएगा, यहाँ पर 20 + 10, 30 लिखा जाएगा, यहाँ पे 30 + 15, 45 लिखा जाएगा, यहाँ पे 40 + 20 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 50 + 25 लिखा जाएगा। जो भी चीजें प्लस होकर आती हैं मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, दिस इज 15, दिस इज 30, दिस इज 45, दिस इज 60, दिस इज 75। ये मेरा क्या बनकर निकला है, दिस इज माय मार्केट डिमांड शेड्यूल।
तो एक सिंपल सी बात अगर आप देखो, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने कहा कि आपके पास इंडिविजुअल डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड हमारे पास एक कंज्यूमर की आई, इंडिविजुअल डिमांड हमारे पास दूसरे कंज्यूमर की आई, दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगी, मार्केट डिमांड निकल कर आएगी पूरी की पूरी मार्केट की। मान लो आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल की फॉर्म में आता है, आपको चार कंज्यूमर्स गिवन है, चारों की इंडिविजुअल डिमांड्स गिवन है, और आपको क्वेश्चन कहता है कि मार्केट डिमांड निकाल कर दिखाओ, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस उनको आपस में प्लस कर काम कर। प्राइस तो सेम रहेगा 54321, वो एज इट इज कॉपी करना, बस जो क्वांटिटी है उसको प्लस करते जाओ। ये चीज हमारे पास आती है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में और मार्केट डिमांड शेड्यूल में। तो हम लोगों ने अभी तक क्लास में क्या डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस करा है कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, हमने डिस्कस करा है कि मार्केट डिमांड क्या होता है, हमने अब डिस्कस कर लिया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या होता है, मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है और मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं। एक टॉपिक और हम लोग अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड का ग्राफ और मार्केट डिमांड का ग्राफ। आओ जरा उस चीज को भी शुरू करते हैं। ओके, तो अब जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं कि अपना इंडिविजुअल डिमांड का और मार्केट डिमांड का हम लोगों ने ग्राफ कैसे बनाया। ठीक है, अच्छा देखो, अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है ना, मैं पहले आपको जो मैंने चीजें लिखी हैं इसको प्लॉट करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा फिर पेपर के अंदर से कैसे बनाना होता है। मैंने आपके सामने एक इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल बनाया था, अगर आप लोग याद करो तो मैंने उस इंडिविजुअल डिमांड के शेड्यूल में क्या करा, मैंने ये बनाया अपना ग्राफ, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस, मैंने यहाँ पे लिखी क्वांटिटी, मैंने इसे कहा जीरो, ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5। क्वांटिटी में गया, मैंने यहाँ पे लिखा 10, 20, 30, 40, 50। अब ऐसे करते हैं, प्राइस अगर 5 होगा तो क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, 10 होगी। ये चीज यहाँ पर आती, हमने ये चीज देखी, प्राइस आपको क्या होगा, प्राइस अगर आपका 5 होगा क्वांटिटी कितनी होगी आपकी, 10 होगी। आपको ये चीज नजर आ रही है, तो पॉइंट कहाँ मार्क किया जाएगा, ये पॉइंट मार्क किया जाएगा। मैं इसको लाइन को हटाता हूँ, डायरेक्टली सिर्फ पॉइंट मार्क करता हूँ। लगा दूँ, ये लो, ये आपका है, दिस इज योर फर्स्ट वन। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा अगर ये 4 है तो 20 है, ये आपका 4 है तो ये कितना है आपका, ये आपका 20, ये हमारा दूसरा। हमने कहा अगर ये आपका 3 है तो ये आपका कितना है, ये आपका 30 है। अगर ये आपका 4 है तो अगर आपका ये 2 है, ये कहाँ जाता है हमारा, 40 की तरफ जाता है, ये पॉइंट निकल कर आता है। और अगर ये आपका 1 है प्राइस, तो क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है। ये अगर मैं इसको ऐसे करूँ, अब जितने भी मैंने ये पॉइंट्स बनाए हैं, मैं सिर्फ इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ कर दिखा दूंगा, आई विल जस्ट जॉइन दीस पॉइंट्स। ये जो मैंने बनाया है, ये शेप जो आपके पास निकल कर आई है ना कुछ ऐसे, ये हमारा क्या है, दिस इज माय इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या कहते हैं इसको हम, इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जरा सा वो कट रहा होगा, मैं नीचे एक बार दोबारा दिखा दूंगा। मैंने जो ऊपर फिगर बनाई थी, अगर मैं उसको ऐसे कर देता हूँ, ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने अपना इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया। मैंने सिर्फ क्या किया, जो मेरा इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल था, मैंने उसको प्लॉट करा, प्लॉट करने के बाद जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन करा, मेरे क्या निकल कर आ गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व निकल कर आ गया। पेपर में आपको प्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं करना, पेपर में डायरेक्टली आपने डायग्राम बनाना है, जो ग्राफ बनाना है वो क्या बनेगा, बस इतना सा आपने ये बनानी है, आपने यहाँ पे लिखना है प्राइस, आपने यहाँ लिखनी है क्वांटिटी, और आपने इसको ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बना दिया। अब इसके बारे में ना कुछ चीजें याद रखना, आपका डिमांड कर्व जो होता है ना, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या होता है ये आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है ये, बिकॉज अगर आपका प्राइस बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, अगर आपका प्राइस कम होता है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी के बीच में ये इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ना, दैट इज वाई आपकी जो डिमांड होती है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग, कि प्राइस आपका ऐसे करके बढ़ता जाएगा, आपकी डिमांड ऐसे होती जाएगी। क्लियर हुआ, पक्का?
नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं ना। आपको पेपर में प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप पेपर में जाओगे, आप ये करके बस ये करके आ जाओगे, ये आप डाउनवर्ड स्लोपिंग कर दो खत्म, और कुछ भी नहीं करना। मैंने समझाने के लिए सिर्फ प्लॉट किया कि भी फिगर ऐसी क्यों है, तो मैंने एक शेड्यूल बनाया, एक टेबल बनाया और उस टेबल को प्लॉट करके दिखा। चलो अब लास्ट चीज डिस्कस करते हैं इसके अंदर, जो हमारा मार्केट डिमांड वाला है। मैं इसी वाले को यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैंने कहा आओ इसी के अंदर हम प्लॉट करते हैं। ये है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 है। हम लोगों ने भी प्लॉट किया था तो ये हमारे पास कुछ ऐसा सा बन के आया था, अगर आप लोग याद करें। अगर मैं ऐसे दूसरे वाले को भी प्लॉट करूंगा, मैं सेकंड वाले को भी अगर प्लॉट करता हूँ जो दूसरे वाले कंज्यूमर का है, तो वो भी कुछ ऐसा ही बनकर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट आपके लिए कर देता हूँ। मैंने क्या कहा इसके अंदर सिंपली, मैंने कहा हमारे पास जो निकल कर आएगा, ये एक ऐसे निकल कर आएगा, ये दूसरा हमारे पास ऐसे निकल कर आएगा। ये मैंने दो आपके सामने बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। ये मैंने कहा ये मेरे पास एक इंडिविजुअल का है, ये मेरे पास दूसरे इंडिविजुअल का है। अगर हमारे को मार्केट का बनाना होता है तो मैं क्या करूँ, दोनों को प्लस करना होता है। ये मेरे पास एक इंडिविजुअल का बना, ये मेरे पास दूसरे इंडिविजुअल का बना। जब मुझे यहीं पर ही मार्केट का शो करना होगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा। अब घर पर अगर इन वैल्यूज को प्लॉट करके भी देखोगे ना, तो ये मार्केट कुछ ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वो इन दोनों इंडिविजुअल्स की डिमांड को प्लस करके बनता है, दैट इज व्हाई उससे ग्रेटर बनेगा, उससे ज्यादा बनेगा। मेरी एक बात सोचो, ये 10 20 30 आपने एक प्लॉट करा, ये आपने 5 10 वगैरह वाला आपने दूसरा प्लॉट करा, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो मार्केट वाला ऑब्वियसली उससे वैल्यू ज्यादा ही आएगी ना उसकी, तभी वो उससे ग्रेटर बनेगा, ये उससे ज्यादा बनेगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या डिस्कस करा है, अगर आप लोग सारे देखोगे, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जहां मैंने आपको कहा वी हैव डिस्कस्ड टुडे इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है। इंडिविजुअल डिमांड इज ऑफ अ सिंगल कंज्यूमर, वेयर एज मार्केट डिमांड इज ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, जितने भी फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। साथ में तीन एक्स्ट्रा फैक्टर्स हमने आज डिस्कस करे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के लिए हम लोगों ने सिंपली से क्या कहा, डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटीज अ फंक्शन ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। मार्केट डिमांड के लिए मार्केट डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटीज अ फंक्शन ऑफ जितने भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, हमने उसको लिखकर दिखा दिया। हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करी, हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करी, और लास्ट में जाके हमने डिस्कस करा अपना इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का ग्राफ कैसे होता है, जहां मैंने आपको ये चीज क्लियर करी इंडिविजुअल डिमांड का भी मार्केट डिमांड का भी दोनों का ग्राफ जो होगा हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कहीं पर भी आपको रीजन पूछना है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है बिकॉज उनके बीच में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाती है। ये हमने अपना लास्ट टॉपिक अभी कवर कर। तो अगर आपको आज की क्लास फ्रूटफुल लगती है, इफ यू फाइंड टुडेज क्लास फ्रूटफुल, डू लाइक द वीडियो, लीव अ वैल्यूएबल कमेंट्स, एज दिस सर्व्स अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर फॉर मी। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, बहुत सारे बच्चे बाहर की कंट्री से भी ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हो। आप इस पर्टिकुलर नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन चेक आउट arodacitycircle.com विच इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट। एट द सेम टाइम हमने अपनी एक नई ऐप भी अभी लॉन्च करी है बाय द नेम ऑफ Arodacity Circle, आप उसको भी iOS या फिर App Store से देख सकते हो। Thank you everyone. Hope you have a wonderful day. Bye bye.